नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे हैं और अपने समय का सदुपयोग अच्छे से कर रहे हैं। मैं आपकी गीतांजलि मैम आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बेटे, लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में मैम ने आपको एक ही मात्रा का परिचय सिखाया था। एक ही मात्रा किसी भी वर्ण के साथ लगती है तो उसका साउंड में कैसे आता है? साउंड ए, लाइक, जैसे, का, ऊपर से स्लांटिंग लाइन, छोटा सा गोला, पहली लाइन को टच करते हुए मात्रा हमारी लगती है। के, छोटा सा साउंड आएगा छटके के साथ, के। ठीक है बेटा, चलिए अब एक ही मात्रा के जोड़ सीखते हैं, जिसमें मात्रा लगने के बाद और वर्ण जुड़ने के बाद शब्द बनते हैं। ये वर्ग कार्य आपको बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं। चलिए बेटे, ये कार्य आपको अपने अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 76 पर करना है। चलिए कैसे करना है बेटे, लेफ्ट हैंड की इस वाली उंगली को आप यहाँ लिखे रखेंगे और सीधे हाथ में पेंसिल लेंगे, जो ये पड़ी रेखा है उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। स, ए, ए की मात्रा ऊपर फर्स्ट लाइन पे गई, छोटा सा गोला। से, ब, सेब। स, ए, ब, सेब। अगला देखेंगे बेटा, ठ, ए, ला। ला में आ की मात्रा है इसलिए लंबा साउंड आएगा ला। ठे, ला। ठेला क्या होता है? हाँ, जिसपे सब्जी वाले अंकल सब्जी बेचते हैं, आइसक्रीम वाले अंकल आइसक्रीम बेचते हैं, है ना, उसे ठेला बोलते हैं। सेब एक फ्रूट होता है, एप्पल आप जानते हैं, है ना बेटा। चलिए अगला करते हैं, क, जमा, र, जमा, ए, रे, जमा, ला। क, रे, ला। करेला, करेला क्या होता है? एक सब्जी होती है जो हेल्दी होती है, बट आप लोग नहीं खाते हो ना। चलिए अगला करते हैं, स, जमा, ह, जमा, ए, जमा। ये कौन सी मात्रा है? पीछे से ऊपर जाती है और वर्ण को छूती है, बड़ी की। वेरी गुड, इसका साउंड भी बड़ा, ली। सहेली, सहेली कौन होती है? सहेली मींस फ्रेंड, दोस्त जो होती है उसको सहेली बोलते हैं। बेटे ऐसे ही और शब्द आपकी अभ्यास पुस्तिका में दिए हैं, पेज नंबर 76 पर, आपको अच्छे से करने हैं। जैसे मैम ने बताया ना, उल्टे हाथ की फिंगर को, उंगली को रखना है जो वर्ड आप लिख रहे हैं उस पर, और आगे लिखते जाना है। कैसे लिखना है? बोल बोल के, जैसे मैम ने सिखाया। बेटा आशा करती हूँ आपको एक ही मात्रा का जोड़ आ गया है, और अगले वीडियो में हम एक ही मात्रा के शब्दों को लिखना, बोलना व पढ़ना सीखेंगे। बेटे इससे पहले मैं आपको एक काम भी देना चाहती हूँ, आप भी घर पे कोई भी पुस्तक, कोई भी किताब हो, न्यूज़पेपर अगर अखबार आता है तो उसमें आपको पढ़ने की, रीडिंग करने की कोशिश करनी है, ओके। और जब आप मार्केट में जाते हैं तो दिखेंगे आपको पैम्पलेट्स होते हैं, नेम्स लिखे होते हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं ना, उनको भी रीड करना है, पढ़ने का ट्राई करेंगे। जितना आप पढ़ेंगे बेटा न्यू वर्ड्स, उतना ही आपको रीडिंग करना आएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।